नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का शनिवार शाम निधन हो गया है। बता दें कि कल्याण सिंह की तबीयत करीब 2 महीने से खराब थी। लखनऊ के SGPGI में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम 79 वर्ष के थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन के बाद सीएम योगी ने अपना गोरखपुर दौरा भी निरस्त कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहने के अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं उनके निधन की सूचना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद और कई कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह को 21 जून को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था। 4 जुलाई को जब उनकी तबीयत सबसे ज्यादा खराब हुई तो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत डिप्टी सीएम केशव मौर्य और अन्य बड़े नेता भी उनसे मिलने तत्काल पहुंचे थे। तबीयत में सुधार न होने के बाद उसी दिन उन्हें PGI शिफ्ट किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, BL संतोष समेत बीजेपी संगठन के तमाम बड़े नेता कल्याण सिंह का हालचाल जानने PGI पहुंचे थे। यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह एक ऐसी तारीख है जिसको कभी मिटाना नामुमकिन है। बता दें कि एक समय था जब कल्याण सिंह ने एक साल में भाजपा को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जब पार्टी 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली थी। ऐसी महान शख्सियत को द वंदे भारत की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।